अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 54 फॉर क्लास 10th। वी आर ऑन आवर यूनिट नंबर 12 जो कि है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि आप किस तरह से अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली हमने टू मेथड्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन वाज अबाउट द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन, यानी कि आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स टू प्रिपेयर अल्केन, यानी कि उसके अंदर आप अल्कीन्स ले लें या अल्काइन्स ले लें, उसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करेंगे, तो वो अपने बॉन्ड्स को डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आएंगे और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे। इस तरह से जो है हम लोग अल्कीन्स और अल्काइन्स की मदद से अल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वहाँ पे जो निकल है या प्लेटिनम है या पैलेडियम है उनको कैटलिस्ट के तौर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, टेम्परेचर आप लोग बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे, मेंटेन करेंगे एट 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस, तो तब जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन्स अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड मेथड जब अगर डिस्कस करें तो सेकेंड मेथड क्या था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसमें था कि हम लोग अल्काइल हेलाइड को ले लेते हैं, यानी कि अगर किसी अल्केन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हुआ हुआ है तो दैट इज़ कॉल्ड एस अल्काइल हेलाइड, वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। तो अगर आप अल्काइल हेलाइड को लें और उसकी रिडक्शन कर दें, रिडक्शन का मतलब है कि उस अल्काइल हेलाइड में आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, निसेंट हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो रिडक्शन से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन उस हैलोजन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे आ जाएगा, और वो जो अल्काइल हेलाइड था वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हमें हाइड्रोजन का हेलाइड मिल जाएगा, हाइड्रोजन हेलाइड मिल जाएगा। तो ये था सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अल्केन्स। यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया था दैट वाज जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट HCl, उनके वो जो है वहाँ पे उनका कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हम लोग अल्काइल हेलाइड्स की मदद से अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो प्रीवियस लेक्चर, ये जो बात हुई थी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ये ओवरऑल जनरल मेथड थे। आप इन्हीं मेथड को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट मेंबर्स, बल्कि ऑल द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिएक्टेंट्स। मेथड वही होगा, लेकिन आप जिस तरह से मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं, ये एक रिएक्टेंट है, उसको आप रिड्यूस करेंगे, उसकी रिडक्शन होगी तो मीथेन बनेगा। इसी तरह अगर आप अपना रिएक्टेंट को चेंज करके मिथाइल ब्रोमाइड की जगह पे इथाइल ब्रोमाइड कर दें तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी इथेन। इसी तरह प्रोपाइल ब्रोमाइड है, उसको आप रिड्यूस करके उसके अंदर हाइड्रोजन उसकी रिडक्शन करते हैं तो वो बनेगा प्रोपेन। तो जस्ट क्या है, मेथड सेम है, रिडक्शन का मेथड सेम अप्लाई हुआ है तीनों पे, बट यहाँ पे क्या है डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट्स को चेंज कर रहे हैं। जस्ट रिएक्टेंट्स को चेंज करने की वजह से हम लोग डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गई थी बात हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पे। आज जो हम लोग टॉपिक है उसकी तरफ आएँ तो दैट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स जो हैं वो दिखने में कैसे हैं, दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकली उनकी क्या अपीयरेंस क्या है, किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो अल्केन्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स हैं, ऑफ तो इन होमोलोगस सीरीज़ के जो पहले चार मेंबर हैं, फर्स्ट फोर मेंबर कौन कौन से हैं, मीथेन, एक सेकेंड, फर्स्ट फोर मेंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये जो फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं, अगर इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट फोर मेंबर्स बिकॉज दे आर वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट, इसके अंदर कार्बन का नंबर बहुत लो है, तो ये जो हैं गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फोर मेंबर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग लें पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उसके अलावा ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, यानी कि कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक जितने भी ये अल्केन्स हैं ये लिक्विड के तौर पे एक्ट करते हैं, लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, जबकि उससे जो जितने भी हायर होंगे फ्रॉम C11 टू ऑनवर्ड्स, यानी कि ऐसे अल्केन जिसके अंदर 11 कार्बन एटम्स हैं और उससे ऊपर जितने भी अल्केन्स हैं
वो तमाम के तमाम जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी आम तौर पे भी सॉलिड्स के तौर पे एक्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी इनके ये डिफरेंसेस क्यों हैं, क्यों ये गैसेस के तौर पे एक्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं सॉरी, क्यों ये जिनके ऐसे अल्केन जिसके अंदर कार्बन 5 से कार्बन 10 है वो लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे, और क्यों कार्बन 11 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। इसका जो रीज़न है दैट इज़ अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। क्योंकि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, फर्स्ट वाले जो 4 हमारे पास कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, बहुत कम हैं। इसके अंदर जस्ट 5 एटम्स मौजूद हैं, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 11 हैं और इसके अंदर 14 हैं। तो बिकॉज उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा लो हैं, तो दैट इज़ वाई, क्योंकि गैसेज हैं वो ईजिली वेपर फेज में, गैसेज फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैसेज के तौर पर ही ये एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस के तौर पर ही ये आपको मिलेंगे। इसके अलावा गैसेस के बाद जो इसके बाद आते हैं हमारे पास कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर कार्बन एटम्स, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन देयर हाइड्रोजन एटम्स, तो उनका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ। मॉलिक्यूलर वेट जब थोड़ा इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये लिक्विड के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे बजाय इसके कि गैसेस। जाहिर सी बात है जब वो हैवी हो गए हैं, हमारे एलिमेंट्स हमारे कंपाउंड्स ये हैवी हो गए हैं, तो वो कंपाउंड्स क्या करेंगे, गैसेस के तौर पर, वेपर्स के तौर पर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, वो लिक्विड के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह जब उससे हायर मेम्बर्स की तरफ हम जाते हैं, जैसे कि कार्बन 11 एंड ऑनवर्ड्स, जितना आगे आप जाते जाएं वो तमाम के तमाम नॉर्मल कंडीशंस में सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द हैवियर, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ एटम्स, और जितने एटम्स ज़्यादा हैं तो वो उतने हैवियर हैं और वो उतने स्टेबल हो जाते हैं और वो कार्बन के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा ये जो तमाम हमारे अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर हैं, दैट इज़ वाई दे आर इनसोल्यूबल इन द वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर क्या है, अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि नॉन पोलर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा कंपाउंड ले लें कि जिसके अंदर एक तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। सिंपल सी आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर आप कहते हैं CH3Br, ये जो आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है। मिथाइल ब्रोमाइड क्या है कि ये हेलोजन्स हैं, या फिर अगर आप कह लें ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर हम लोग इसको ले लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इन द चार्जेस, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी के डिफरेंसेस की वजह से इनके ऊपर ये चार्जेस हैं, यानी कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जमा हो जाएंगे, एक साइड पे चले जाएंगे, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी साइड पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कि दे आर पोलर। लेकिन जब हम लोग अपने हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, यानी कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हैं, इनके अंदर किसी के पास भी ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक चार्ज डिवेलप नहीं होगा। कहीं पे भी आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव है। तो बिकॉज ये चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, इसीलिए ये जो हमारे अल्केन्स होते हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर, और बिकॉज दे आर नॉन पोलर इसीलिए ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। अब वाटर में भी सोल्यूबल होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि अगर वाटर को देखें, वाटर ख़ुद जो है वो पोलर कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है जब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसके पास इसके साथ हम मिक्स करेंगे तो मिक्स होने की शर्त क्या है कि ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस ब्रोमीन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तभी ये उसको ब्रेक डाउन कर सकेंगे, और ब्रेक डाउन के बाद ही वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। अगर वो ब्रेक डाउन कर ही ना सकें तो वो कैसे सोल्यूबल होगा, वो कैसे डिजॉल्व होगा कोई भी कंपाउंड वाटर के अंदर।
वो टूटेगा तो डिसॉल्व होगा. तो जब ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो तभी अगला कंपाउंड टूटता है और वो डिसॉल्व हो जाता है, वो अच्छे तरीके से हल हो जाएगा पानी में. लेकिन इन द केस ऑफ अगर आप देखेंगे अल्केन्स, जैसे कि आप मीथेन की बात करें, मीथेन के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, कहीं पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसको कहाँ पर अट्रैक्ट करे, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इसको कहाँ पर अट्रैक्ट करे. जब उनको अट्रैक्ट करने की जगह ही नहीं मिल रही, कोई चार्ज ही नहीं मिल रहा है, तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे. और अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इसके अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं सकेंगे, जो अल्केन्स हैं, बिकॉज वो उसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो सकेंगे, बिकॉज वाटर इज़ पोलर और ख़ुद ये नॉन पोलर हैं. तो पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है. तो बिकॉज इन दोनों की नेचर आपस में ऑपोजिट है, इसीलिए ये एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे अल्केन्स हैं दे आर नॉन पोलर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, इनसोल्यूबल हैं वाटर में और सोल्यूबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. बाकी के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे अल्कोहल है या ईथर है, उनके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसके अंदर ये जो हमारे अल्केन्स हैं ये इजीली जो है डिसॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज उनकी नेचर आपस में मैच करती होगी. ये हमारा पॉइंट हो गया है इनके पोलैरिटी के ऊपर डिस्कस करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएँ तो दैट इज़ अबाउट दैट इज़ के द डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. तो ये थोड़ा सा मैं आपको पहले पॉइंट में भी बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है तो इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वॉल्यूम. तो जैसे जैसे उनका मास एंड वॉल्यूम जो है ये उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. यानी कि जब आप लोअर एलिमेंट्स लोअर कंपाउंड्स से हायर कंपाउंड्स की तरफ जा रहे हैं, मीथेन से ब्यूटेन प्रोपेन मीथेन से ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन से फिर डेकेन तक जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप लोअर एलिमेंट कंपाउंड से हायर कंपाउंड लोअर सीरीज से हायर सीरीज में जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जो आपस में डेंसिटीज़ हैं जो कंपाउंड्स की वो इंक्रीज़ होती जाएंगी विद द इंक्रीज़ इन द मॉलिक्यूलर साइज़. उसके अलावा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी उनके साइज़ के साथ साथ इंक्रीज़ होंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे छोटे एलिमेंट्स हैं छोटे कंपाउंड्स हैं जैसे ब्यूटेन है, बिकॉज उसके अंदर थोड़े से एटम्स हैं, यानी कार्बन का एक सिंगल एटम है, हाइड्रोजन के फोर एटम्स हैं, तो ये छोटा सा है इसलिए इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ईजी है. इसकी डेंसिटी भी लो होगी, इसका मास भी बहुत कम है, इसको ब्रेक डाउन करना जो है बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसकी मदद से आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि कितने इजीली ये जो ब्रेक डाउन होंगे कंपाउंड, उसी के ऊपर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करते हैं. जिसका ज़्यादा ईजी है उसको ब्रेक डाउन करना, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे. तो बिकॉज ये जो स्मॉलर कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एटम्स के नंबर कम हैं, इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा कम हैं. और जैसे जैसे आप हायर कंपाउंड्स में आ रहे हैं, हायर सीरीज़ में आ रहे हैं, तो जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, उस तरह से इनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं, और उसी के साथ साथ इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाते हैं. ऐसा क्यों है कि जब आप लोअर से हायर में जा रहे हैं तो जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उतनी ज़्यादा होंगी. जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने मजबूती से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पकड़ के रखा हुआ है, तो उस सूरत में उनको उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ना बहुत मुश्किल है. तो जब वो टूटेंगे नहीं तो इसीलिए उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा. जबकि ऐसे कंपाउंड्स के जिनके अंदर अट्रैक्टिव बहुत कम है उनको आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दैट इज़ वाई उनके मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं. तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट पे आएँ तो जो अल्केन्स हैं बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस. कि जिस जिस तरह से आप इनका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स पे आ रहे हैं, जैसे मीथेन से उससे हायर कंपाउंड्स में आ रहे हैं, प्रोपेन ब्यूटेन पे आ रहे हैं, तो इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी. विस्कोसिटी क्या है? यानी कि इनकी थिकनेस जो होती है, जो स्टिकीनेस होती है, जो गमीनेस होती है, वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी. जैसे आप कह लें कि जो ये CH4 है, जो ब्यूटेन है आपके पास, इसकी विस्कोसिटी ये बहुत थिन लिक्विड होगा, जैसे वाटर है फॉर एग्ज़ाम्पल. लेकिन जैसे आप
मीथेन से ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर डेकेन तक जाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि वो जो लिक्विड्स होंगे वो थिक फॉर्म में आते जाएंगे, गाढ़े होते जाएंगे जो आप उर्दू में बोलें तो. तो अल्केन्स जो हैं लेस फ्लेमेबल हैं, दैट इज़ इनको डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बर्न करना विद द इंक्रीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर साइज़. जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगी, इसीलिए इनको फ्लेमेबल करना यानी कि इनको बर्न करना विद द फायर बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट. तो ये थी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोगों ने इनके डिफरेंट नेचर को डिस्कस किया कि ये नॉन पोलर हैं, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी, इनकी डेंसिटीज़ किस तरह से इंक्रीज़ होती हैं, इनकी ये स्टेट्स ऑफ मैटर किस तरह से चेंज होंगी, उसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी को और इनकी फ्लेमेबिलिटी को हमने डिस्कस किया था. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया हो. अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. और टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.